बीकानेर में प्रेम विवाह प्रकरण को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने ये हंगामा हुआ। आपको बता दें, बीकानेर के रानी बाजार इलाके में रहने वाले युवक युवती प्रेम विवाह के बाद एसपी के सामने पेश होने के लिए पहुंचे और इसी दौरान युवती के परिजन भी वहां पहुंच गए। युवती के परिजन इस विवाह का विरोध कर रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रेमी की उम्र 45 साल है और वो पहले से शादीशुदा है, जबकि लड़की की उम्र 25 साल है। प्रेमी युगल ने 2 महीने पहले नगर निगम में विवाह कर लिया था, तब से साथ रह रहे थे। काउंसलिंग के बाद युवती ने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद एसपी कार्यालय के सामने तनाव बना हुआ है। तो ये आपको बीकानेर से खबर दिखा रहे हैं और किस तरह से जब युवती ने परिजनों के साथ जाने से मना कर दिया तो वहां पर परिजनों ने हंगामा किया है। परिजन यहां नजर आ रहे हैं, पुलिस यहां पर नजर आई। 25 साल की ये युवती बताई जा रही है, 45 साल का ये व्यक्ति बताया जा रहा है। और सहयोगी श्याम मारू बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, जानकारी दे, क्या कुछ खबर है और अभी तक क्या अपडेट इसमें? जी हाँ, मेरा ये लड़का और लड़की प्रेम विवाह की कहानी है और इसमें जो बताया जा रहा है, जो लड़की की उम्र 25 साल है और लड़के की उम्र जो 45 साल है, लड़की शादी करने के लिए राजी, लेकिन उनके जो परिजन है वो विरोध कर रहे हैं और इस बात को लेकर के जब वो एसपी कार्यालय पहुंचे तो वहाँ हंगामा हो गया और उनके परिजनों ने वहां पर काफी रोष प्रकट किया। इस बात को लेकर एसपी तेजस्वी गौतम ने अपने कैमरे में बुलाया, दोनों पक्षों में से सुनवाई की और साथ ही साथ में उन्होंने पास के कमरे में बैठ करके अन्य पुलिस कर्मचारियों और कुछ लोगों को लेकर के काउंसलिंग की और काउंसलिंग के बाद ये निकल कर आया। लड़की ने ये साफ कह दिया है कि वह जिसने शादी की वह उसी के साथ जाएगी। अब आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। जी मैं श्याम, ये शादीशुदा व्यक्ति बताया जा रहा है तो अब क्या उस व्यक्ति की पत्नी ने भी किसी तरह का मुकदमा दर्ज करवाया है, कोई एफआईआर दर्ज करवाई? ये परिजनों को, लड़की के परिजनों का आरोप है कि ये जो 45 साल का जो युवक है ये शादीशुदा है, ये ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया। अब जो पुलिस जो प्रशासन है वो भी इस बात की तहकीकात कर रहा है और उसकी कहीं ना कहीं तलाकशुदा भी बताया जा रहा है, तो ये डिक्री हुई है या नहीं इस बात पे जानकारी ली जा रही है। इसके बाद में जो आगे कार्रवाई है, यदि उसने तलाक लिया बिना लिए अगर शादी कर रहे हैं तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए।